यूपी में समाजवादी परिवार में भले ही कलह जारी हो, लेकिन चुनावी मैदान के लिए सियासी गणित बैठाने का काम शुरू है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय दिख रहा है। अखिलेश यादव इस बाबत प्रियंका गांधी से फोन पर बात भी कर चुके हैं और राहुल के विदेश से वापस आने के बाद इसका ऐलान भी हो जाएगा। देखिए, बातें तो बहुत होती हैं और मीडिया के माध्यम से कुछ ज्यादा, और उसको हवा मिली कि दो तीन बार अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए तो 300 से ज्यादा सीटें हम पाएंगे। ये उनका अनुमान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज तक ना तो कोई पहल हुई है और ना ही कोई बयान देखा होगा। देखिए, आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता, मुख्यमंत्री जी कई बार पटल से कह चुके हैं कि अगर समान विचारधारा के लोग साथ हैं तो सीटें बढ़ेंगी ही, एक कॉन्फिडेंस होगा। भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक होकर के लड़े तब भी लड़ाई के लिए तैयार है, और जीत भाजपा की होगी क्योंकि जनता हमारे साथ है, हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है, कमल यूपी में खिलने जा रहा है, सरकार भाजपा की बनने जा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के संकेत अखिलेश और राहुल गांधी दोनों पहले से देते रहे हैं, लेकिन अखिलेश को उनके घर की कलह अब तक सताती रही, लिहाजा कांग्रेस ने अलग राह पकड़ी। लेकिन खाट सभा और किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाकर भी कुछ खास हासिल नहीं कर सके। राहुल गांधी के सामने अब पिक्चर साफ है कि बिना सहारे के उनकी नैया चुनावी वैतरणी पार नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से दोनों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि 2012 विधानसभा चुनाव में जहां 29% वोट हासिल करते हुए 224 सीटें जीती थीं, वहीं कांग्रेस ने 11.7% वोट शेयर के साथ सिर्फ 28 सीटें हासिल की थी। यानी दोनों के वोट परसेंट मिला दिए जाएं तो ये 40% के पार पहुंच जाता है, जो किसी भी गठबंधन को सत्ता तक पहुंचा सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी तब एक थी और अब बाप बेटे में बटी दिख रही है। बीएसपी के दलित मुस्लिम कार्ड और बीजेपी की बढ़ती ताकत को रोकने में अखिलेश राहुल की जोड़ी कितनी कामयाब होगी, ये तो 11 मार्च को आने वाले नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल यूपी में जमीन तलाशती कांग्रेस को अखिलेश मिल गए दिखते हैं, और अखिलेश को कांग्रेस के वोटर अपने खेमे में दिख रहे हैं। सवाल है ये गठबंधन कितना कामयाब होगा। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। रायना, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा सातवें आसमान पर है। एक तरफ समाजवादी कलह में उबाल है तो दूसरी ओर गठबंधन की दरकार है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, यानी बीजेपी और बीएसपी को रोकने के लिए अखिलेश और राहुल गांधी चुनावी मैदान में साथ साथ दिखेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने बाकायदा प्रियंका गांधी के साथ फोन पर गठबंधन को लेकर बातचीत भी की है और दोनों के बीच राहुल के विदेश से लौटते ही गठबंधन का ऐलान भी हो जाएगा। दरअसल जरूरत दोनों की लगती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इससे अखिलेश की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कितना फायदा होगा, और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, कांग्रेस का हाथ अखिलेश के साथ। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल इस वक्त मौजूद है बिग स्टोरी बिग डिबेट में। आपसे तारुफ करा दे तमाम मेहमानों का, हमारे साथ त्रिलोक त्यागी जी हैं, लीडर आरएलडी, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ हैं, बीएसपी से स्पोक्स पर्सन एमएस खान जी हमारे साथ हैं, साथ ही एसपी के लीडर संजीव मिश्रा जी और सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र नाथ बर्तरिया हमारे साथ हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के लीडर आलोक शर्मा भी जुड़ेंगे। क्योंकि सवाल और सूत्र यही कह रहे हैं, और सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल करेंगे साइकिल की सवारी, और इसलिए संजीव मिश्रा जी ऐसा तो यही लग रहा है कि आप गठबंधन के लिए तैयार है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कुछ क्लियर नहीं है। बातचीत हुई है प्रियंका गांधी के साथ, तो क्या बात बन गई अंदर खाने में? संजीव मिश्रा जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है, अगर मेरे से प्रश्न है तो एक बार फिर कह दीजिए। आवाज संजीव मिश्रा जी, क्या बातचीत हो चुकी है गठबंधन को लेकर कांग्रेस के साथ? बातचीत हो चुकी है, प्रियंका गांधी से फोन पर क्या बात हुई है अखिलेश यादव की, और
अगर बात हुई है तो क्या कुछ ऐलान सुनने को मिल सकता है 9 जनवरी को? नहीं देखिए, अगर कोई बातचीत हुई है तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बता पाएंगे कि क्या किस स्तर पर बातचीत हुई है। हमारे पास जो जानकारी है वो इतनी है कि निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी चूंकि अब अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और अगर कोई भी गठबंधन होता है, जो लोग सांप्रदायिक दलों को रोकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से जुमलेबाजी करके और जिस तरीके के माहौल बिगाड़ करके ये लोग राजनीति करते हैं। अब देखिए, जैसे कितना बड़ा दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी और अलायंस हुआ है, उत्तर प्रदेश के जो इनके घटक लोग हैं वो कितनी तेजी से काम करने लग गए। मेरे घटक कहने का मतलब है, तनेजा जी भी बताएंगे वैसे ज्यादा विस्तार में, लेकिन घटक कहने का मेरा मतलब यह है कि भाजपा प्लस ये न्यूज, दे न्यूज, ले न्यूज प्लस तमाम तरीके के जो न्यूज चैनल्स हैं उनके साथ जो इन्होंने गठबंधन किया, उस गठबंधन का भी आप सामने कौन से गठबंधन की बातें यहाँ पर कर रहे हैं संजीव मिश्रा जी, ये भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि सवाल मेरा सिर्फ यही था अभी अपना कि क्या का चेहरा कि क्या राहुल गांधी साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं, इसका सीधा जवाब दे दीजिए ना। सुर्खियों में दिखा रहे हो, ये बता रहे हैं कि वो जीतने की स्थिति में है, तो बड़े अटपटी स्थितियां हैं। ये लोग जिस तरीके से राजनीति करते हैं, उस तरीके की राजनीति में मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है और जानती है कि ये लोग किस तरीके की राजनीति करते हैं, किस तरीके से झूठ बोल सकते हैं। जी, आपके सवाल में आपका जवाब भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कौन किस गठबंधन की तरफ जा रहा है और कौन कैसे गठबंधन कर रहा है। इनफैक्ट नरेंद्र तनेजा जी, अगर ये अलायंस और महागठबंधन जो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस का होता है, बीजेपी को कितना नुकसान होने का अंदेशा इसमें जताया जा रहा है? अखिलेश राहुल अगर साथ आ जाते हैं तो चुनावी रथ जो बीजेपी का है उसको रोक पाएंगे? स्वाति जी, ये सब क्यों साथ आ रहे हैं? मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं बैड फेलोज, ये क्यों हाथ साथ में मिला रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की पहली पसंद है और वो सरकार बनाने के कगार पे है, पता है जनता को और इनको भी पता लग गया है। आप देखिए, देखिए हमारे देश का लोकतंत्र देखिए किस तरह का। एक तरफ तो संजीव मिश्रा जी कह रहे हैं मीडिया के साथ ग्रैंड अलायंस हो गया, मतलब मीडिया को भी बख्शा नहीं, उसको भी उसमें मेलाइन कर दिया। दूसरी तरफ ये देखिए कि प्रिंसलिंग्स, ये क्या, ये कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी तो रॉयल्टीज है, इनके जो राजकुमार हैं प्रिंस हैं ये लोग मिलेंगे 9 तारीख को। अरे कहां गया लोकतंत्र? कौन सा लोग, कांग्रेस में तो लोकतंत्र था ही नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी लोकतंत्र नहीं था, प्रिंसलिंग्स, ये चाइना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी प्रिंसलिंग्स इनको बोलते हैं। तो दुर्भाग्य है कि इन पार्टियों को लोग जस्ट देख रहे हैं कि भाई ना तो ये लोकतांत्रिक है। अच्छा, दोनों, दूसरी बात यह है कि मिश्रा जी को एक बात याद रखनी चाहिए, पिछले 5 साल का इतिहास उठा लीजिए, जिस पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो पार्टी की नजर नहीं आती है। लेकिन खैर, ये वो जाने उनकी विजडम है। मैं, हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, चारों तरफ अंधेरा है, हाहाकार मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज नहीं है, विकास के नाम पे एक एक्सप्रेस वे बना दी गई, एक मेट्रो और 2-4 लैपटॉप कुछ बांट दिए सुना है लोगों ने, है ना, बस उसके नाम पर 22 करोड़ लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये राजकुमारों की पार्टियां, ये राजकुमारों की पार्टियां जहां अंदर किसी तरह का लोकतंत्र है ही नहीं, उनको वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और ये कुल मिलाकर के इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ये डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, इतनी दहशत हो गई है कि इनकी आपस में कोई चीज मेल नहीं खाती, उसके बावजूद भी हाथ मिला रहे हैं। और अखिलेश यादव पूरे सम्मान तो से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं, आप अंदाज लगाइए भारतीय संस्कृति में, इसका जवाब हम संजीव मिश्रा जी से जरूर लेंगे। लेकिन अहमद खान जी, माना यह जा रहा है कि राहुल अखिलेश के गठबंधन से जो मुस्लिम वोटर्स है वो उनको लुभाने का एक तरीका भी है। अब बीएसपी के दलित मुस्लिम कार्ड को कितना नुकसान इससे हो सकता है? आवाज स्लो फास्ट कराइए, फोन करके बात करिए। देखिए, ये तो अभी इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हम इनके बारे में क्या कहें, लेकिन एक बात, तो फायदा किसको है, आपको फायदा है इस लड़ाई झगड़े से? आपकी पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? आप मेरी बात सुनिए, फायदा नुकसान ये व्यापार नहीं है, फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, जनता का हित देखा जाता है, जनता का हित किस में है, फायदा नुकसान नहीं होता। पहले मैं आपको बता दूं ना कि ये तिकड़ी जो है इस कैसी चलेगी, पहले समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, इस पर आप मत बोलिए, आप बोलिए एनडीए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी 3 दलों के साथ खड़ी है, और समाजवादी पार्टी जो जैसी चर्चा है कि वो कांग्रेस और एनडीए से तालमेल कर रही है,
तो ये बात हम बताना चाह रहे हैं आपको कि तीन टांग की दौड़ वाले लोग आगे कहां बढ़ेंगे, दो पैर के टांग दौड़ने वाले लोगों के साथ में। हमारा तो सब समाज जो है वो हमने लिस्ट भी जारी कर दिया, हमारी सेना मैदान में उतर चुकी है, किसी भी पार्टी की सेना मैदान में नहीं आई है। तो हमको तो निश्चित तौर से ये हमारा लॉ एंड ऑर्डर और विकास पे हमारा मुद्दा है और सब समाज को साथ लेकर चलने का मुद्दा है, हमको हर बिरादरी हर जात के लोगों को लेकर चलने का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। हम ये फायदा नुकसान की बात इसमें हम नहीं करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, गरीब के हित की बात करते हैं, किसान के हित की बात करते हैं, दिहाड़ी मजदूरों के हित की बात करते हैं। नोटबंदी का जो असर हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में, चले चले अहमद खान जी, 150 आपका मानना है कि फायदे नुकसान की बात है, जनता के हित की बात, लेकिन कौन सी पार्टी किस फायदे नुकसान की देखते हैं वो तो सबको पता है, एक का नुकसान होता है दूसरे का फायदा होता है, ये हर चुनाव में हमने देखा है। लेकिन अब इस महागठबंधन से पश्चिमी यूपी में कितना नफा नुकसान हो सकता है, त्रिलोक त्यागी जी आप ये बेटर ढंग से बता पाएंगे। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो आपने कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और सपा के गठबंधन की बात शुरू की है, ये तो कांग्रेस और सपा के लोग ही जाने, इसका नफा नुकसान तो जब इनका तय हो जाएगा। ये पिछले एक दो महीने से लगातार टीवी पर और मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, यही चर्चा चल रही है। आप लोग दिखाते हैं कि गठबंधन हो रहा है, राहुल जी की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। मैं असली बात जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बात जरूर होने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना बड़ा किसान का नुकसान किया है पिछले तीन साल में, पूरे हिंदुस्तान में हजारों किसानों ने सुसाइड किया है, किसान के कर्जे माफी का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, मुजफ्फरनगर में रैली की, लखनऊ में प्रदर्शन किया, हम लोगों ने मथुरा में रैली की, और हम इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। हमने इसमें तमाम दल के नेताओं को बुलाया, किसान नेताओं को बुलाया, शरद पवार जी, देवगौड़ा जी, अजीत सिंह जी, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले दो महीने का किसान का ब्याज माफ किया। केवल हमारी मांग है कि हिंदुस्तान के किसान का तमाम ब्याज माफ किया जाए, और इसका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप पूछ रही हैं, ये तो ये लोग बताएंगे इनको फायदा नुकसान क्या होना। मुझे एक पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल बड़ी ताकत बनने जा रहा है, और हम किसान के सवाल उठा रहे हैं। हमारी मांग है कि जो गेहूं पर आपने ड्यूटी आयात शुल्क हटाया, ये फैसला भी वापस लिया जाए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल मजबूत हो रहा है, ना कांग्रेस ना सपा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा यहाँ पर साफ होने जा रहा है। अब तो बीजेपी को आप यहाँ पर टारगेट करें, लेकिन ज्ञानेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, ये जो अब एक संभावना जताई जा रही है उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन की, आप उसको क्या बीजेपी के एक काट के तौर पर देख रहे हैं, जो एक नरेंद्र मोदी इफेक्ट इंपैक्ट हम देख रहे हैं कुछ पिछले टाइम से चुनावों में? दूसरी बात, ये जो जोड़ी अखिलेश और राहुल के अगर साथ आती है, किसको कितना फायदा या ज्यादा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है? देखिए इसके दो अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी, बीजेपी वहां पर सबसे डोमिनेंट फोर्स है, ये सबको साफ साफ समझ में आ रहा है। सवाल ये है कि नंबर टू कौन निकले। दोनों के पास अपने अपने कमिटेड वोट्स हैं, कमिटेड वोट बैंक हैं, और उनको बहुत बड़ी शिद्दत से ये चाहिए कि मुस्लिम वोट एनब्लॉक उनके साथ जाए। समाजवादी पार्टी में फूट के बाद उनके सामने मजबूरी ज़्यादा होती जा रही है। खुद आजम खान कह चुके हैं कि भाई आप तो हमने तश्तरी में रख के सत्ता बीजेपी को दे दी है। तो अब कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो मुस्लिम वोट बैंक के सामने बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। तो बेसिक दिक्कत यह है कि मायावती के डीएम कार्ड को समाजवादी पार्टी कैसे काउंटर करे। तो उसे लगता है कि थोड़ी क्रेडिबिलिटी वो कांग्रेस से छीन सकती है, कांग्रेस के बदले ले सकती है। अब जहां तक दूसरा प्रश्न है, बेसिक दिक्कत वहां पर है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि इसमें राहुल और अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की बड़ी भारी भरकम यात्रा की, खाट सभाएं की, किसानों का मुद्दा उठाया, तमाम और मुद्दे उठाए। पूरी यात्रा में दो बातें बहुत क्लियर थी। नंबर एक, एक भी जगह उनके टारगेट पे समाजवादी पार्टी या बीएसपी नहीं थी, सिर्फ बीजेपी पे वो टारगेट करते रहे, और बीजेपी पे भी टारगेट इस ढंग से किया कि उस समय तक उनकी नीयत यह लग रही थी कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट शिफ्ट होकर बीएसपी के साथ जाए। अब अचानक एक टेक्टोनिक शिफ्ट आता है और उनको लगता है कि नहीं जी, समाजवादी पार्टी के साथ हमें जाना चाहिए। बेसिकली कांग्रेस वहां जिस भी स्थिति में है उसको किसी ना किसी बैसाखी की जरूरत है ताकि वो एक रेस्पेक्टेबल फिगर में कहीं नजर आ सके
तो उनकी दिक्कत यह है। अब समाजवादी पार्टी का लालच सिर्फ यह है कि राहुल के नाम पर या एक गठबंधन बन गया है इस तरह का शोर मचाकर किसी तरह मुस्लिम कंसोलिडेशन वापस अपने फेवर में किया जाए। बीएसपी चाहती है इससे ठीक उल्टा हो, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई बहुत भारी भरकम केमिस्ट्री इसमें शामिल है। संजीव मिश्रा जी, क्या कहेंगे इस पर? दलित मुस्लिम वोट को लुभाने का ये नया तरीका निकालिए और बैसाखी का सहारा अब आपकी पार्टी है कांग्रेस के लिए। नहीं देखिए, ज्ञानेंद्र जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में विकास हुआ, अगर 19 लाख लैपटॉप बांटे गए तो यह नहीं तय किया गया कि किस जाति विशेष को हम दे रहे हैं लैपटॉप। अगर बाय द वे हमने एक्सप्रेसवे बनाया तो यह नहीं उसमें तय हो रहा कि किस जाति के लोग गाड़ी से चलेंगे। अगर हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए, अगर इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए तो यह नहीं तय किया कि किस जाति के लोग वहां पर मैच खेलेंगे। देखिए बहुत साफ सी बात है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हर वर्ग का विकास हुआ। जहां मेट्रो चली तो वहीं पर साइकिल ट्रैक का भी काम हुआ। देखिए बहुत सारी साफ सी बात है, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आज अखिलेश यादव जी के विकास से और अखिलेश यादव जी का जो चेहरा है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चेहरे की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर अगर पार्टी को सक्षम है तो अगर पार्टी को सक्षम है तो कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? देश ने देखा कि काट की हांडी अब बार बार नहीं चढ़ने जा रही। तो बहुत साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा और शानदार विकास उन्होंने किया है और जानदार मुख्यमंत्री रहे। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता हाथों हाथ अगर लेगी तो अखिलेश यादव को लेगी। मैं इस पर एक सेकंड के लिए सिर्फ एक उत्तर देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में विकास की जो भी बातें हुई हैं या जो भी बातें कही जा रही हैं, जो भी विज्ञापन छापे जा रहे हैं और विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, उन सब में फंडामेंटली सिर्फ विकास नहीं है, बाकी बहुत कुछ हो सकता है। विकास को आप सिर्फ तब डिफाइन कर सकते हैं, तब उसका दावा कर सकते हैं, नंबर एक, जब आपने कहीं इंडस्ट्री पैदा की हो, कोई इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट पैदा किया हो। मुझे नहीं ध्यान है उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कोई इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट पैदा हुआ है, उल्टा इंडस्ट्रीज बंद हुई है, इस तरह की कई घटनाएं मैं जानता हूं। नंबर दो, अगर अखिलेश यादव और उनका विकास एजेंडा इतना ही स्ट्रांग है जितना आप दावा कर रहे हैं, फिर उनको क्या जरूरत है कांग्रेस की और आरजेडी की और लोकदल की और जिन दलों का नाम भी कोई नहीं जानता उन सबकी। ठीक है। जी, हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, आपके पास आते हैं नरेंद्र तनेजा जी। आलोक शर्मा, सबसे सीधा सवाल आपसे यही जान रहे हैं अब कि क्या 9 जनवरी को कुछ ऐलान हो सकता है महागठबंधन का, सपा और कांग्रेस के बीच में बातचीत क्या हुई प्रियंका गांधी से? देखिए मैं समझता हूं इस तरह की कोई आधिकारिक मेरे पास सूचना नहीं है कि किस तरह का कोई गठबंधन की बात चल रही है। अभी तक जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो 403 की 403 सीटों पर अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता अभी औपचारिक तौर पर किसी भी तरह की कोई बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन दुखद यह है कि समाजवादी पार्टी के विकास को नहीं देखने वाले हमारे पत्रकार महोदय मोदी साहब से भी तो सवाल पूछें। अगर किसी को एक पार्टी को दूसरे पार्टी की आवश्यकता पड़ रही है तो उनको ये भी याद होगा कि बिहार में बीजेपी ने कितने पार्टियों से गठबंधन किया था, वेस्ट बंगाल में किस किस से किया था, हरियाणा में किस से किया था। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की एक परिपाटी है, खासतौर पर 1989 के बाद लोकसभा के अंदर मोदी साहब की लहर थी, कोई सुनामी बता रहा था, कोई तूफान बता रहा था, कितनी पार्टियां थी, मेरे विचार से 13 या 14 पार्टियां थी जिनके साथ क्षेत्रीय आधार पर गठबंधन हुआ था। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं अभी वो नैतिकता के आधार पर देखें कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या बेहतर है, क्या जुमले बेहतर हैं या तमाम तरह के जो वायदे किए गए वो बेहतर थे, क्या सवाल नहीं उठा रहे हैं? गठबंधन तो बनता ही है, राजनीतिक पार्टियां साथ में तो आती है अपने फायदे नुकसान के लिए किसी और वजह के लिए, लेकिन बात तो यही है ना कि कांग्रेस को अभी एक ग्राउंड चाहिए, उसका सहारा चाहिए, तो क्या इस गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश के जो कि सूबे का सबसे बड़ा जो शहर है उसके जरिए चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश तो कांग्रेस की भी होगी ना, ग्राउंड होल्ड कर ले वो? देखिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 27 वर्षों में जाति और धर्म की राजनीति हुई इसमें मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ गई। कभी राम मंदिर का मुद्दा दसियों वर्षों तक हावी रहा, जिस तरह से पिछले चुनाव से पहले 84 को उसकी यात्रा याद आ गई, फिर इस बार घर वापसी याद आ रही थी, तो कहीं ना कहीं जाति और धर्म की राजनीति जो रही, चाहे उसमें कोई क्षेत्रीय दल रहे हो चाहे भाजपा रही हो, उसमें कांग्रेस पिछड़ गई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और राजनीतिक जो विश्लेषक हैं आज वो भी और हम भी ये मानते हैं कि देश हित में उत्तर प्रदेश की जनता में के विकास के लिए उनके भले के लिए कांग्रेस पार्टी जो भी कदम उठाएगी वो बहुत ही मैच्योर्ड कदम होगा। जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी राहुल गांधी कुछ प्रूव नहीं कर पाए और अभी भी एक ग्राउंड की तलाश में। नरेंद्र तनेजा जी, आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे?
मेरे दो पॉइंट हैं। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा जाति धर्म, वो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। 1984 में धर्म सिखों का जो कत्लेआम करके और इतनी बड़ी मेजोरिटी लोकसभा में जो पार्टी लेके आई, भारत के इतिहास में पहली बार उस पार्टी का नाम है क्या वो जाति और धर्म के आधार पर था, वो पहली बार धर्म को यूज किया, कत्लेआम कत्लेआम किया, धार्मिक उन्माद सिखों का कत्लेआम किया, धार्मिक उन्माद तो आप लोग करते हैं कि रथ यात्रा चला से ये सत्ता में आए और इतनी बड़ी मेजोरिटी ली उन्होंने जो इतिहास बन गए। भारतीय जनता शर्मा जी मुझे बोलने दीजिए। शर्मा जी ये आपकी इमरजेंसी नहीं है, आपका इमरजेंसी नहीं चलेगी ये, आप मुझे बोलने नहीं देंगे, ये इमरजेंसी लगा रहे हैं क्या आप स्टूडियो में? पता है आप इमरजेंसी वाली पार्टी पर यहाँ इमरजेंसी कहीं से कहीं मुद्दा पहुंचा देते हैं आप, उत्तर प्रदेश में बात कीजिए ना, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिया, आपने उत्तर जी जी आलोक जी वो जवाब दे रहे हैं, आलोक जी जवाब दे रहे हैं वो, नरेंद्र जी उत्तर प्रदेश में फोकस कीजिए अभी, जी जी नरेंद्र तनेजा जी पूरी कीजिए बात, मुझे मुझे पहले बात करना, अच्छा क्यों दर्शकों का टाइम खराब करते हैं? मिश्रा जी ने बात करी विकास की। देखिए विकास जो है वो ही भारतीय जनता पार्टी धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं करती, हम विकास की राजनीति करते हैं। मैं संजय मिश्रा जी को चुनौती दे रहा हूं टेलीविजन पे कि वो जो मुझे बताएं कि उनकी सरकार ने 5 साल में कितनी नई इंडस्ट्री वहां पे लगाई, कितने एमएसएमईज वहां पे लगाए, कितनी वहां पे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या फिगर है मुझे दें। बात घुलमा फिरा करके मेट्रो की बात करते हैं, एक्सप्रेस वे, लैपटॉप, उससे आगे कोई बात ही नहीं कर पाते। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और उसके बाद जो सोशल इंडिकेटर, उत्तर प्रदेश भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे पिछड़े इलाकों में आता है और इसके लिए उत्तर प्रदेश लेट मी कंप्लीट उसके बाद आप बोलिएगा, लेट मी कंप्लीट, मैं चुनौती दे रहा हूं, आप मुझे बताइए कितनी इंडस्ट्री लगाएंगे। नाम गिरा आप नरेंद्र तनेजा जी चुनौती दे रहे हैं संजय मिश्रा आपको, जितने भी चुनावी वादे आपने डेवलपमेंट की बात कही है वो कितनी सच कितनी झूठ है कि धरने पे चल रही है। जी नरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं संजय जी से, बताइए उसको कान कान नहीं, मुझे ज्ञानेंद्र जी के पास भी जाना है। फिरोजाबाद में उद्योग क्यों बंद हुए? संजय मिश्रा जी उद्योग क्यों बंद हुए बताइए। संजय मिश्रा जी चुनौती, खुली चुनौती दी है नरेंद्र तनेजा जी ने आपको, नोटबंदी की वजह से बंद हुए मैक्सिमम उद्योग। अरे नोटबंदी जब उत्तर प्रदेश में मतदाता आएंगे इनके तो निश्चित रूप से इनको जवाब देंगे। जिन दलों जिन बातों को लेकर 2014 में चुनाव लड़ रहे थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। बहुत साफ़ बात कहता हूँ, उत्तर प्रदेश जवाब है नहीं, एक एक करके बोले नरेंद्र जी, किसी की बात ऐसी समझ में नहीं आएगी नरेंद्र जी। और आपके प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद जुमलेबाजी की, जवाब लीजिए ना, सारे सांसद एक एक गांव गोद लेंगे। आपको बता दूं नरेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे संजय मिश्रा जी बोलिए। जिन्हें जो बनारस में जयापुर गांव गोद लिया था वहां से प्रधानी का चुनाव आप हार गए थे, आप क्या हमसे बात करते हैं? हमारा तो बहुत दल है और बहुत साफ सी बात, मैं आपको चुनौती देता हूँ, कितने उद्योग लगाए, किस किस जिले में लगाए, किए हुए रोजगार पैदा नहीं करते, कितने एमएसएमई लगाए, कानपुर में उद्योग क्यों बंद हुए बताइए, अपने शाला उद्योग क्यों बंद रहे? तनेजा जी सुन लीजिए, पहले मैं आते हैं आपके पास, तनेजा जी तनेजा जी विकास हुआ वो आपको नहीं दिखाई देगा, आप जुमलेबाज लोग हो। अरे आपने तो 8 तारीख को नोटबंदी की थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 500,000 के नोट आज रात 12 बजे से चलन में बंद हो जाएगा, 28 तारीख को क्यों आप काले धन वालों के साथ खड़े हो गए? आप काले धन वालों के साथ खड़े वाले लोग हो, आपने 50% उनको कहा कि टैक्स जमा करो। ऐसे किसी की बात समझ नहीं आ रही। रमेश खान जी आपके पास अब कांग्रेस बीजेपी का जो है, कांग्रेस और सपा का जो है दंगल, अभी आपने देखा इसमें बीएसपी अपनी जमीन कहां तलाश रही है? आपने तो कह दिया है कि आपने अपने जो धुरंधर है वो मैदान में उतार दिए हैं और आपकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। रमेश खान जी आप कहां जमीन तलाश रहे हैं? ऐसे बहस आगे नहीं बढ़ेगी। एम एच खान जी बोलिए, आप ये बहस का तरीका नहीं है। जी 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 सबकी एक एक बात सुनो और आप दो तीन लोग लड़े जा रहे हैं आपस में। मेरा ये कहना है कि जो बहस का मुद्दा है उस पर बात नहीं करनी, जो मुद्दा है उसी पर बने रहे वो बेहतर है। एमएच खान जी खुद बोले तो कोई ना बोले, ये जो अरे चुनौती दे रहा हूँ, चुनौती ले जवाब, जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आने दीजिए, चुनौती आप जी आपके पास भी आते हैं। एमएच खान जी आपकी बारी बोलने की, अब एमएच खान जी सिर्फ एमएच खान बोलेंगे अभी। सुन लीजिए जी, एमएच खान जी बोलिए।
बोलिए, सुन तो लीजिए मेरी बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करके सत्ता में आई थी केंद्र में, वो ढाई साल में कोई वादा पूरा नहीं किया और नोटबंदी ला करके किसानों मजदूरों सबको परेशान किया। तो जनता इनको नकारेगी या बताएगी कि क्या तुम्हारी औकात है, क्या तुम्हारी हैसियत है। ये सांप्रदायिक पार्टी है। दूसरी बात, ये कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे 27 साल बेहाल, अगर ये समाजवादी पार्टी से तालमेल करते हैं तो 27 साल में 5 साल ये भी जोड़ेंगे बेहाल, उस पर हमला करेंगे क्या? कांग्रेस के लोग ये 5 साल वाली सरकार पे हमला करेंगे क्या? या फिर 27 बेहाल झूठा नारा हुआ इनका, 27 बेहाल, 27 साल बेहाल, इनका नारा झूठा साबित होगा कि सच्चा साबित होगा, ये बता दीजिए। दूसरी बात सुनिए, आप सुनिए, आप चुपचाप रहिए, सुनिए, पहली बात बोलिएगा। फिर देखिए, फिर 2012 में समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे और जो मुसलमान लड़के बेगुनाह जेल में बंद है उनको निकालेंगे, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखेंगे, दंगा कराया 300-400 मुसलमानों का आरक्षण पास तक नहीं कराया, उन लड़कों को बाहर नहीं निकाला, दंगा अलग करा दिया और आखिर में पूरा घर परिवार जब लड़ने लगा तो ये समझ लीजिए कि जो बेटा, जो मुख्यमंत्री अपने बाप को खुश नहीं कर सका, जो चाचा को खुश नहीं कर सका, जो भाई को खुश नहीं कर सका, वो प्रदेश की जनता को क्या सुख देगा? ठीक है जी, आपने तमाम सवाल उठाए हैं आलोक जी, आपके पास आएंगे, लेकिन त्रिलोक जी आपके बारे में बोलने की, क्योंकि पश्चिमी यूपी की हमने बात की है, वाकई दबदबे का ही तो टेस्ट है। अब क्या, अब इस चुनाव के बाद लोकसभा में बड़ी हार के जख्म पर भी इसे मरहम लगेगा? देखिए, ऐसा है, मैं लगातार अपने मित्रों की बात सुन रहा हूं और बहस में लड़ाई ज्यादा हो रही है, मुद्दे कम उठ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार में आई है, मैं उनके प्रवक्ता जी को सुन रहा था, उन्होंने दूसरों की तो गलती गिना रहे हैं। वो दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने वादा किया था कि हम किसान की लागत का 1.5 गुना देंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भाजपा बताए कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, आपने ये वादा किया था कि हम रोजगार निकालेंगे, आपके तमाम वादे झूठे रहे, हजारों किसान सुसाइड कर रहे हैं फसलों का दाम ना मिलने से, आप विदेश से गेहूं मंगा रहे, आपने खाद महंगा कर दिया, आपने बिजली महंगी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, शराब आप हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके कब तक इस देश को बांटना चाहेंगे? सवाल ये नहीं है, आप अगर कुछ नहीं देंगे, सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू और मुस्लिम करते रहेंगे, रोजगार का सवाल आता है तो आप मंदिर का सवाल उठा देते हैं, कॉलेज बनने का सवाल आता है तो फिर आप मस्जिद मंदिर की बात उठा देते हैं, आप सब मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? और मुद्दा सबसे बड़ा इस देश का है कि 70% लोग गांव में रह रहे हैं जो खेती पर आधारित हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। और नोटबंदी, मेरी एक मिनट बात सुनिए, आजादी के बाद ये बैंकों में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ कि आम आदमी 2,000 रुपए के लिए सारा दिन खड़ा। चलिए, नोटबंदी की बात यहाँ पर फिर से आ गई, हर बहस में नोटबंदी की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूपी में महागठबंधन की बात। नोटबंदी में इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है आपने सवाल जो उठाए हैं उसका जवाब नरेंद्र तनेजा जी से लें। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी, यहाँ पर पूरे डिस्कशन में तो ऐसा ही लग रहा है कि तमाम पार्टियां एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, वही नोटबंदी का मुद्दा, लेकिन यूपी में जो सियासी समीकरण आने वाले समय में क्या हो सकता है, इस पर खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, जो आपने आखिरी सेंटेंस इस्तेमाल किया कि तमाम पार्टियां एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, यूपी के सियासी समीकरण वास्तव में यही है। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा 27 साल और जाति और धर्म की बातें हुई। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है मुलायम सिंह यादव की सरकार है, बीएसपी के साथ गठबंधन में है और समर्थन कांग्रेस का है। मुझे वो कविता तक याद है कि समर्थन की दड़ देंगे, एनडी तिवारी जी कांग्रेस के नेता होते थे। यूपी की हर सरकार मुलायम सिंह और मायावती की कांग्रेस के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग में और टैसिट समर्थन पे चली है, इसमें कोई दूर दूर तक डिनायल नहीं है। उनका लोकसभा में बिहेवियर, उनका पार्लियामेंट में बिहेवियर, उनका लखनऊ में बिहेवियर, दोनों चीज़ें एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही थी। जहां तक जो आरजेडी के राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता त्यागी जी, उन्होंने किसानों की और खासतौर से वेस्टर्न यूपी की बात उठाई, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जो वेस्टर्न यूपी की वास्तविक खेती की स्थिति है, गन्ने की
और धान की एक बार बात कर लें, उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर लें क्या स्थिति है, क्यों बन गई, कैसी बन गई और कहां पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको नए सिरे से सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। जी जी, संजीव मिश्रा जी, अब क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे अहम चुनाव की बात हो रही है जब पार्टी के अंदर खाने में बहुत बड़ी फूट पड़ी हुई है, अब ये बताइए अब सिर्फ यही चुनावों में फोकस रहेगा कि 2019 में भी पार्टी की भूमिका अब तय हो पाएगी, क्योंकि अंदर खाने में इतनी ज्यादा अभी उथल पुथल है, आगे कैसे बढ़ेंगे इससे? देखिए 10-12 घंटे का फेर रह गया है, बहुत साफ सी बात है, लगभग सब कुछ स्थितियां साफ हो गई और ठीक हो गई हैं। अब इसकी घोषणा होना बाकी है, मैं समझता हूं कि 10-12 घंटे का अगर आपको और समय आप देंगे तो निश्चित रूप से वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने आपके चैनल पे एक बड़ी बात सुनी, लॉ एंड ऑर्डर की बात जब कोई बसपा का नेता करता है तो मुझे बड़ी अजीब अटपटी स्थिति लगती है। 4-4.5 साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3-3 सीएमओ के मर्डर हुए थे, कोई जेल के अंदर हो रहा था, कोई जेल के बाहर हो रहा था, और इंजीनियर विजय कुमार गुप्ता की अपहरण करके हत्या की गई थी, पूरा उत्तर प्रदेश का इंजीनियर परेशान, हाहाकार तो तब बच रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आप दूसरे तीसरे चौथे दिन का अखबार अगर उठा लेते तो बसपा विधायक बलात्कार में का दोषी, ये अखबारों की हेडिंग हुआ करती थी। वो लोग अब आज इस तरीके की बात कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार की जब बात आती तो भ्रष्टाचार का तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे उत्तर प्रदेश में। उस समय इनका कौन सा ऐसा मंत्री था जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था? आज बाबू सिंह कुशवाहा की बात करिए, और सबसे बड़ी बात यह है जहां ये रिश्तों की बात करते हैं तो मैं तो समझता हूं बहन जी ने इनकी सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा पहुंचाया तो अपने ही भाई को पहुंचाया। आज स्थितियां क्या है, आज वही तोता भाजपा का काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग तोता खा करते थे सीबीआई को जब कांग्रेस का समय था, आज उसी तोते की बदौलत ये हर दल को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन अब त्रस्त हो गई है। तो आपकी सत्ता में मतलब क्राइम का ग्राफ कम हुआ है, बनस्पत पहले जब मायावती की सरकार होती थी क्राइम का ग्राफ ज्यादा होता था, और जो जितने भी बड़े क्राइम होते थे वो हेडलाइंस बनाते थे। एमएच खान जी प्रदेश ने दिए थे, एमएच खान जी की जीत हुई थी। जी जी, एमएच खान जी, संजीव मिश्रा जी का कहना है कि क्राइम का ग्राफ आपके टाइम में बहुत ज्यादा था, इनके टाइम में तो राम राज्य दिल्ली में भी मिला, बिहार में भी मिला, उत्तर प्रदेश खान जी भाई देखिए ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सीएमओ की हत्या कर रहे हैं। अभी 1 लाख जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है नहीं, क्या सीएमओ की हत्या नहीं हुई? आप बताइए 1 लाख के उसको जिसको बंद किया गया था उसकी हत्या नहीं हुई जेल में? क्या बात कर रहे हैं? झूठे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा आप सीएमओ की बात बताइए, अच्छा सीएमओ की बात बताइए, सीएमओ के परिवार में मर्डर नहीं है, आप गए उनके परिवार में, आप गए उनके परिवार में, आपने पुरसा हाल लिया उस परिवार का, सीएमओ के मर्डर। संजीव मिश्रा जी आपने कई आरोप लगाए हैं, उन्हें जवाब भी तो देने दीजिए। क्यों दंगे कराते हो? दंगे हुए क्यों दंगे कराते हो? पांच साल में मायावती कितनी बार उत्तर प्रदेश आई? आजमगढ़ 5 साल में मायावती कितनी बार उत्तर प्रदेश आई? अगर आपको लग रहा है कि 300 दंगे हुए तो आपने जनता के साथ कितने आंदोलन किए? आप जो आरोप लगा रहे हैं आरोप को चैनल पे क्या कह रहे हो? कोर्ट को भी आप जो आरोप लगा रहे हो चैनल पे क्या कह रहे हो? अगर आरोप लगा रहे हो तो मायावती के साथ जनता को लेके आंदोलन करते कमाल है, झूठे आरोप क्या लगा रहे? छोड़िए, आतंकवादी स्थितियां उस समय थी उत्तर प्रदेश में और मायावती जी की स्थिति। अच्छा एक चीज बता दीजिए, आप एक चीज बताइए, 300 दंगे हुए आज की तारीख। अरे रुकिए तो बोलने तो दो, बोलने तो दो भाई, दंगा हुए कि नहीं? हाँ में ना, दंगा हुए कि नहीं? हाँ में ना, दंगा 300 से 400 हुए? हाँ में ना, 3 करोड़ में टिकट बिक रहा है कि पास? वो तो बताओ, प्रूफ लाइए वरना आप पे मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। करिए, कितनों के खिलाफ किया? 500 करोड़ रुपया तो कहा के लिए मायावती बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी? चलिए इस बात विवाद से तो यही लग रहा है ना समाजवादी पार्टी के राज्य में और ना ही बहुजन समाज पार्टी के राज्य में कुछ सही रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों के सेम ही है। लेकिन ऐसे में नरेंद्र तनेजा जी, अब क्योंकि एक बहुत बड़ा टेस्ट बीजेपी का भी होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो
कैसे ग्राउंड्स में अब आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि डेफिनेटली एक तूफान एक आंधी तो रही है नरेंद्र मोदी की, पिछले चुनावों में भी हमने देखा है, लेकिन सिर्फ उसी इम्पैक्ट को लेकर तो आगे नहीं जाएंगे, आगे नया क्या होगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, संजीव मिश्रा जी आते हैं आपके पास, नरेंद्र तनेजा जी। स्वाति जी अभी आपके दुकान आपकी जो रिटेल शॉप चल रही है, स्वाति जी अभी आपके दर्शकों ने देखा ये जो एक तरह का मुर्गे की लड़ाई, अब इस तरह के दल क्या उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, 22 करोड़ जनता का क्या भविष्य लिखेंगे? आपने देखा ना अभी मुर्गे की लड़ाई कैसी हो रही थी, ये लोग इतने बड़े प्रदेश को चला सकते हैं? 22 करोड़ की जनता का आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भविष्य तय कर सकते हैं ये लोग? आपने देखा ना शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को पता है विकल्प क्या है, वो पार्टी जो विकास का जिसने विकास के तमाम नरेंद्र जी आपको क्यों लगता है बीजेपी के जीत के आसार है इस बार? जो ये संजीत नरेंद्र जी बीजेपी के जीत के आसार आपको क्यों लग रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जी बता रहा हूँ, मैं आपको देखिए पहली पहला पहली बात जी जी अमित शाह जी आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं जी, सब इन दलों को देख लिया आप मेरे को सुन लीजिए उसके बाद अपना पॉइंट रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये देखा है कि बसपा एंड सपा क्या करती हैं, एक पार्टी खाली जो है वो टिकट बेचती है सीटों के, पैसा इकट्ठा करती है एक तरह का, मतलब अनऑफिशियली वो बैंक है एक तरह का। समाजवादी पार्टी दावे करती है विकास किया, हमने 5 प्रश्न संजीव मिश्रा जी से करे, वो जवाब ही नहीं दे पाए कहाँ विकास हुआ, कि हम लोगों को तो दिखता नहीं है। राहुल गांधी जी आए, खैर वो किसी 3-13 में नहीं है उत्तर प्रदेश में, जवाब आपके पास नहीं है, कितनी महंगाई कम हो गई बताइए जरा, तो वहां उनको अपनी पार्टी नजर नहीं आई। एक तरफा डिबेट पैसे कैसे निकला देश का काला धन आगे देखा है उनको, अगर पहले तो पार्टी चाहिए, पार्टी नहीं है जी जी आलोक जी आ रहे हैं आपके पास, सपा लड़ रही है, बसपा तो आपको पता ही है एक तरह का बैंक, तो उस तरह अब लोगों को पार्टी चाहिए जो ऑर्गेनाइज पार्टी हो, जो जमीन पे हो, हर गांव में हो, हर कस्बे में हो, और जिसके कोई विजन हो, उनके पास कोई दर्शन हो, एक और संगठन। ठीक है ठीक है, नरेंद्र तनेजा जी का कहना है कि वो पार्टी बीजेपी है जिसके पास पूरा विजन है, किसी के पास भी जाना है, बहुत टाइम से बोला नहीं, विकास करेंगे 1000 दिन में कितना विकास करेंगे वो सबका हमारे पास प्लान रहेगा। ठीक है ठीक है, तो आलोक जी आपको लगता है कि वो पार्टी कांग्रेस आगे आने वाले टाइम में बनने वाली ऐसी पार्टी जो कि फिलहाल जमीन की तलाश में है, और राहुल गांधी को अभी अपने आप को प्रूव करना बाकी है जो फिलहाल विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, थकान मिटाने। देखिए मैं समझता हूं कि छुट्टियां मनाना भी कोई बात बुरी बात नहीं है, विदेश जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, और जमीन लेकिन ऐसे समय में जब हर पार्टी पूरी तरह कमर कस के तैयार है तब छुट्टी मनाने में बाकी सवाल उठेंगे, लेकिन अपना जवाब कोई बात नहीं काम सब जगह से होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हाईटेक आईटी का जमाना है, आईटी की देन राजीव जी की थी, आप उस चीज में मत जाइए, हम समय पर एक्शन लेंगे, देश की जनता हमें समझती है, इसीलिए हमें 70 साल मौका दिया है, बाकियों को एक बार कभी कभी मौका देते हैं फिर भगा देती है जनता, लेकिन जिस तरह की शब्दावली का आज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार वाकई आपको मौका देते हुए जनता नजर आ रही है जिस तरीके के हालात बने हैं, और सवाल जो शुरुआत में पूछा था वो फिर से महागठबंधन की तैयारी है? स्वाति जी आप जी मैं उसका उत्तर दे चुका हूं पहले भी, लेकिन जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग बीजेपी के प्रवक्ता महोदय करते हैं, सपा के और बसपा के प्रवक्ताओं को अगर वो मुर्गे से कंपेयर करते हैं तो इनका मानसिक स्तर देखा जा सकता है कि ये उत्तर प्रदेश को कितने अच्छे से संभालेंगे। मुद्दे की बात यह है कि आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने शब्दावली आपसे अच्छी प्रयोग हो रही है, मैंने उत्तर प्रदेश गेहूं का और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा है, सुनिए ना आप लोग, सुनिए ना सर, आप लोगों की जबान जब निकलती है ना आपको, आप लोग जबान बोल बोल के ही आप लोग आते हैं सत्ता में और बोल बोल के ही चले जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं आप लोग, मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग बोल बोल के आते हैं, आप शब्द बोल बोल के चले जाते हैं, आप लोगों की फितरत हो गई हो रहा था उसके बाद, अरे साहब आपकी उम्र हो गई है, थोड़ा शब्दों पे देखा करें आप, मजाक उड़ा रहे, अरे साहब शब्दों का थोड़ा सा चयन ठीक किया करें, आपके बाल सफेद हो गए, मुद्दे पर आइए, प्रयोग करें, आज मुद्दा यह है कि क्या गेहूं जो किसान है, गेहूं का किसान वो रो रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, एमएसपी बढ़ाया नहीं, ऊपर से जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो भी आपने हटा दी, दूध का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जो उत्पादक है, एक दूध का प्लांट आया नहीं, आप पैसा खा के भाग गए, आप भूल गए शर्मा जी, अरे साहब वही फिर कहानी, आप सुन तो लीजिए ना, बिहार की जवाब सुन लीजिए उनका, नहीं तनेजा जी नॉन स्टॉप अपना रिकॉर्ड चलाते रहते हैं, एक सपा खराब, बसपा खराब, कांग्रेस खराब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खराब, बस बीजेपी अच्छी है, अरे भाई आप कम से कम सुनने की आदत डालिए, उत्तर प्रदेश की जनता है, 22 करोड़ लोग चयन करेंगे, एक बीमारू राज्य है, उसको आगे कैसे लाया जाए उस पर चर्चा हो, आप लोगों को कुर्सी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है,
हिंदू मुस्लिम राम मंदिर 84 कोस घर वापसी, इससे आगे भी बढ़िए थोड़ा सा। आप बताइए कौन सा उद्योग केंद्र सरकार ने 73 सांसद देने के बावजूद, नरेंद्र जी बीच में मत बोलिए अभी, उनको बात पूरी करने दीजिए, आप मुझे बताइए अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में कहेंगे तो कहीं ना कहीं उसको बीमारू शब्द इस्तेमाल किया जाता है और वो है, उसको आगे लाना है। हमारे सब लोकतांत्रिक जितनी पार्टियां हैं सबका दायित्व बनता है कि हम जो राज्य पिछड़ गए उनको आगे लाया जाए। पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेज की रेशियो है उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई है, लेकिन आप लोग मुस्कुराएंगे, 3-13 की बात करेंगे, मोदी जी नई नई जैकेट पहन के भाषण देंगे, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे केवल ये बताइए कि आपने रोजगार के लिए कहा कि रोजगार 2 करोड़ मिलेंगे, आपने तो 3 करोड़ उत्तर प्रदेश में लोगों को नोटबंदी से बेरोजगार कर दिया, क्या उसका कोई जवाब है? मुस्कुराने से अगर रोजगार मिलता हो तो आप जरूर मुस्कुराइएगा, आपकी उम्र है मुस्कुराने की। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, राजनाथ सिंह जी के अगर आंकड़े उठाएंगे तो नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स ये कहता है कि राजनाथ जी की सरकार थी और अखिलेश जी से तुलना करेंगे तो 21% क्राइम राजनाथ जी की सरकार में ज्यादा था। जरा थोड़ा सा तैयारी के साथ आइए, मुझे केवल ये बता दीजिए आप कि जो भैंस एक किसान का एसेट होता है 80,000 की बिकती थी एक साल पहले, आज उसको 25,000 में कोई खरीदने वाला नहीं है, किसान खून के आंसू रो रहा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि फार्मर्स का सुसाइड रेशियो 32% बढ़ गया, 2015 में 27 जवान शहीद हुए थे, इस बार 87 जवान शहीद हुए। अरे भाई भाषण से आगे भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आप लोग देश को क्या दिया है आप लोगों ने? एक चीज बता दीजिए, सेंसेक्स डाउन, रुपया वर्सेस डॉलर डाउन, आप इन्फ्लेशन किस तरह से डिफ्लेशन में बन रहा है, लोग उद्योगपति तो आलोक शर्मा जी आपकी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी ये बता दीजिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अब ये जो आपके लिए एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आपकी पार्टी किन मुद्दों पर आगे बढ़ने जा रही है और कैसे बढ़ने जा रही है, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। कहां है विकास? वो आपकी पार्टी आगे कैसे बढ़ने जा रही है आलोक शर्मा जी, इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। आप बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए, आपकी पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? मैं समझता हूँ आज हमारी पार्टी की चिंता, हमारी पार्टी की चिंता नहीं करें आप, देश की जनता देख रही है, देश की जनता ने 3 साल में याद करना शुरू कर दिया है मनमोहन सिंह जी के कामों को, कि तमाम तरह के जो 3D, 4P, 5S सब लोग जुमले छोड़ गए हैं। अब लोगों ने समझ आ गया है कि मोदी जी केवल लच्छेदार भाषा में देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं और अगर कोई देश को चला सकता है तो मात्र और मात्र एक पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। ठीक है ठीक है, जुमले जुमलेबाजी वर्सेस कांग्रेस पार्टी के जो काम है पिछले 60-70 सालों में हम सबने देखे हैं, उसके तहत आगे बढ़ने जा रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, नरेंद्र तनेजा जी आपसे जवाब देते हैं, फिर त्रिलोक त्यागी जी के पास जाना है मुझे। नरेंद्र तनेजा जी जवाब दीजिए जल्दी, जुमलेबाजी वर्सेस पिछले 60 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस का है। स्वाति जी आपने आपने 6 मिनट उनको देखा नॉन स्टॉप बोले और उन्होंने कोई उत्तर प्रदेश की बात नहीं करी, जो टॉपिक था उस पर बात नहीं करी। नरेंद्र जी आपको भी पूरा समय दिया गया है, नरेंद्र जी आपको पूरा समय दिया, जल्दी जल्दी में बात पूरी कीजिए। तो आप सुनिए, आप कहां दिया है आपने? बोलिए तनेजा जी, बोलिए तनेजा जी, बोलिए ना, बात कीजिए, बात पूरी पूरी कीजिए, बात नहीं बताइए ना, जो गन्ने के किसानों का जो पैसा बकाया है 1024 करोड़ जो बहस नहीं कर पाता, क्यों नहीं मिल रहा है उनको? आलोक जी जवाब ले लेते हैं, बहस नहीं कर पाता, बाकी पैनलिस्ट नहीं बोल पा रहे, आंकड़ों के साथ मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, नरेंद्र जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए। जाते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है? नहीं आप 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 मेरे से क्या जल्दी, आप 6 मिनट कांग्रेस बोल सकती है? नरेंद्र जी बात पूरी बात कीजिए ना, समय मत वेस्ट, समय वेस्ट मत कीजिए नरेंद्र जी, कीजिए कीजिए पूरी बात, पूरी बात। उत्तर प्रदेश में वापस जाता हूं मैं, उत्तर प्रदेश जो विषय है, उत्तर प्रदेश में वापस देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हमारा ये मुख्यमंत्री का चेहरा है, हमारे ये नए अध्यक्ष हैं, कांग्रेस में मत आइए ना, भाग प्रदेश में आइए, क्यों भागे? नहीं नहीं आलोक जी बीच में नहीं बोलेंगे, आलोक जी बीच में नहीं बोलेंगे, आपकी कंस्टिट्यूएंसी बनारस में एमएलए का चुनाव 3 महीने बाद हुआ वो भी हारे हैं आप, विकास करना इनका बस का काम नहीं है। नहीं 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 विकास तो केवल मोदी जी भाषणों में कर रहे हैं, आप चैनल पर कांग्रेस ही बैठा दीजिए बस, हम लोग जाते हैं। ठीक है ठीक है, त्रिलोक जी आपके पास हम काफी समय से नहीं आ पाए हैं, त्रिलोक जी अब आने, जी जी आपके पास नरेंद्र जी फिर से आते हैं, अब आने वाले समय में नरेंद्र जी जल्दी बात पूरी कीजिए ना, आपको समय दे रहे हैं पूरा नरेंद्र जी, सिर्फ दस सेकंड। देखिए मेरा ये कहना है कि उत्तर सुनिए स्वाति जी सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पूरा बोरिया बिस्तर लेके आई और खाट लेके भाग गई, अब वो पूछ पकड़ना चाहती है कांग्रेस को, छोड़ दीजिए सॉइल टेस्टिंग लैब कौन सी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने कौन सी सॉइल टेस्टिंग लैब, मोदी जी बड़े भाषण नहीं, मुझे त्रिलोक जी के पास जाना पड़ेगा, त्रिलोक त्यागी जी पूरे बहस में आपने ये समीकरण देखा, बहस का समीकरण, सियासी समीकरण कैसा लग रहा है आपको? देखिए बहस का जो समीकरण है
वो एक दूसरे पर जवाब नहीं है, लांछन ज्यादा लगाए जा रहे हैं, मुद्दों की बात नहीं हो रही है। मेरा कहना है कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है। अभी ज्ञानेंद्र जी ने एक बहुत अहम सवाल उठाया कि गन्ने का और धान का उसके बारे में भी चर्चा हो जाए। 3 साल पहले धान का रेट 4,000 रुपये क्विंटल था और चावल का रेट 100 रुपये किलो। इस साल धान का रेट 1,000 रुपये क्विंटल है और चावल 100 रुपये किलो। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से या इस सरकार से उत्तर प्रदेश की से कि ये 3,000 रुपये किसकी जेब में गए? ये पार्टियों की जेब में गए या ट्रेडर की जेब में गए? किसान भी लूटा और उपभोक्ता भी लूटा। 4,000 था धान का रेट, किसान को 4,000 मिल रहा है, उपभोक्ता को 100 रुपये चावल। आज 1,000 रुपये रेट है तो भी 100 रुपये चावल मिल रहा। एक तो लूटिए। ज्ञानेंद्र जी ने मुद्दों की बात शुरू की है, यहाँ मुद्दों पर बात कम हो रही है, एक दूसरे को जलील करने की बात ज्यादा हो रही है। मेरा कहना आपसे साफ तौर पर कि गन्ने की जो बात है, गन्ने का 1,000 करोड़ रुपये बकाया है। और मैं जो हमारे मित्र हैं भाजपा के प्रवक्ता, उनसे मैं बड़ी विनती के साथ कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि मोदी जी ने 3 महीने पहले कहा कि हम गन्ने का पेमेंट कर चुके, लाल किले से कहा हम 99% कर चुके। 1,000 करोड़ से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश के किसान का बकाया है। अकेले महाराष्ट्र में इस साल 1,000 किसान सुसाइड कर चुके हैं। और मैं महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपकी अब आपने तमाम मुद्दे गिना दिए हैं त्रिलोक जी, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है इसमें, आपकी पार्टी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? मुद्दे हमारी हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम गांव किसान के मुद्दे पर, हम बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे और उत्तर प्रदेश का बदलाव की स्थिति में हम जोरदारी से तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव लड़ने की तैयारी हो तमाम मुद्दों पर, ठीक है, ठीक है। ये जो आप बहस चला रहे हो, ठीक है, ठीक है, देखिए जी, ये जो टॉपिक आपने चलाया, ये आपका कृत्रिम टॉपिक है। क्या अगर ये दल मिल जाए, जब किसी की बात ही नहीं हो रही तो गठबंधन पर चर्चा आपने बहुत पहले शुरू कर दी। बात हो रही है, बात हो रही है, बात हो रही है त्रिलोक त्यागी जी, ये कोई कृत्रिम टॉपिक नहीं है, बात हो रही है, क्योंकि खुद जो शीला दीक्षित देव इनफैक्ट इसके बारे में कह दिया था। इसलिए संजीव मिश्रा जी, अब क्योंकि एक समीकरण की बात हो रही है, जितना बहस में हमें इनफैक्ट कुछ इतना खुलकर सामने सुनने को नहीं मिला आपकी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है जी जी। मुद्दों पे देखिए, मुद्दों पे अगर बात हो, महंगाई पे बात हो, किसान पे बात हो, नौजवानों पे बात हो, या तो एक दूसरे को गाली देने पे बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। संजय मिश्रा जी कह रहे हैं मुद्दों की बात नहीं है, अब किन मुद्दों को लेकर अब आगे बढ़ेंगे, गठबंधन हो ना हो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 11 मार्च को तो जनता का जो फैसला है सबके सामने होगा। हमारा मुद्दा क्या होने जा रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं आगे आप? हमारा किसान का मुद्दा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय मिश्रा जी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। संजय मिश्रा जी, गन्ने की लड़ाई हो रही बात है, हम लोग किसानों को संगठित कर रहे हैं, हम गांव के लोगों को संगठित कर रहे हैं, ये विरोधी दल के लोग जी, इतने लोग जी आपके पास आ रहे हैं। संजीव मिश्रा, आरोप लगा, देखिए एक मिनट मिश्रा जी अगर तैयारी की होती, और आपका कहना है, सारे विरोधी दल कह रहे हैं, अगर आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास नहीं किया, तो आपने जनता के साथ मिलकर के कितने आंदोलन किए, कितने धरने और प्रदर्शन किए समाजवादी पार्टी के खिलाफ? दरअसल में उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने जो विकास किया, उस आधार पर इनके पास मुद्दे ही नहीं रह गए कि ये आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते, इनके पास। लेकिन वोटरों में कॉन्फिडेंस कैसे जगाएंगे जब पार्टी के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है? वोटरों में कैसे कॉन्फिडेंस जगाएंगे, जनता में कैसे कॉन्फिडेंस जगाएंगे जब पार्टी के अंदर ही टूट पड़ी हुई है? कि 13 तारीख को मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी फिर से शपथ लेंगे, आप सब लोग आइए। ज्ञानेंद्र जी, मैं पूरा कॉन्फिडेंट है कि 13 तारीख को, अब 11 मार्च को क्योंकि रिजल्ट आने हैं, अखिलेश जी फिर से आ रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, देखिए जो आपका मूल सवाल है, मैं वापस वहीं पर लौट रहा हूँ, मुद्दों की बात, जैसा कि हम सारी बहस देख रहे हैं, 5 मिनट 5 सेकंड जी आपके पास आए, एमएच खान जी आपके पास आ रहे हैं, खास मतलब नहीं रह गया है किसी भी मुद्दे की बात का, क्योंकि जो बात होती है उसका कोई तर्क देने के बजाय हम दूसरे के खिलाफ तर्क देने लगते हैं। मूल मुद्दा महागठबंधन होगा या नहीं होगा, मेरा अपना मानना है कि ये हर कीमत पे होगा, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, और इसका सबसे बड़ा लूजर बहुजन समाज पार्टी को होना होगा, जो अदरवाइज भी अपने आप को विड्रॉ लगभग कर चुकी है। जी जवाब दीजिए अमित खान जी। अरे ये ख्वाब इनका है, इनके समय में नहीं आ रहा है, तो ये जो कुछ मर्जी है वो बोलते रहे, वो तो चुनाव में पता चलेगा, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। दूसरी बात कि ये तनेजा जी ने जो हमको खिताब दिया है मुर्गे का, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको, इनकी पार्टी
कुड़ुक मुर्गी है, ना अंडा देती है ना बच्चों को संवारती है, खाली मार काट करती है। ये तनेजा जी की पार्टी कुड़ुक मुर्गी, अगर हमको मुर्गा कहा तो ये पार्टी कुड़ुक मुर्गी है, ना अंडा देती है ना बच्चे देती है ना बच्चों को संवारती है। कानून व्यवस्था पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट सारे मैदान में आ चुके हैं, अभी गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये लोग गठबंधन करते रहे और आरएलडी कहां रही है पूरे देश प्रदेश में, कितने वोट पाई है आप 2012 में देख लीजिए कि हम 80 सीट पे हम जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी 47 पे है, कहां है हमको कुछ गिनती समझ नहीं आ रही है, इनको समझ में आएगी जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा, आरएलडी कहीं कुछ है ही नहीं है ना कांग्रेस कहीं कुछ है, आप जब देखिएगा रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी कहां जा रही है, सब समाज को लेके जा रही है। ठीक है नरेंद्र तनेजा जी जल्दी, समय बहुत कम है, क्लोजिंग कमेंट्स। अरे माया ठीक है त्रिलोक जी आपके पास आते हैं, समय बहुत कम है हमारे पास, नरेंद्र तनेजा जी क्लोजिंग कमेंट्स। त्रिलोक जी, स्वाति जी, स्वाति जी मुर्गी लड़ते हैं, जिस हिसाब से बसपा सपा लड़ रहे थे मैं उसके बारे में उस खेल का जिक्र कर रहा था, मैंने किसी को मुर्गा नहीं कहा, मेरा सिर्फ ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों से थक चुकी है, बहस में भी उन्होंने देख लिया, जो पार्टी जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो उत्तर प्रदेश की जनता जिसके लिए सपने देख रही है, जिसके लिए आगे की तैयारी कर रही है। आप 11 तारीख तक इंतजार करिए, 11 मार्च का दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी 11 तारीख को 11 मार्च को होगा। और आलोक शर्मा आप भी यही कहेंगे, आप भी ग्राउंड बनाने की तैयारी में, जब काम बहुत ज्यादा बाकी है, ढाई पौने तीन साल की आपकी भी सरकार। आलोक जी जवाब दीजिए, क्लोजिंग कमेंट्स। मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग पहले तो बिहार का जब चुनाव था तो एफिडेविट बांट रहे थे, उसके बाद फिर जिस तरह से बंगाल में हुआ तो शपथ पत्र दिए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा बिहार में और बाकी राज्यों में, क्योंकि जनता अब इनको समझ चुकी है कि जुमलों से देश नहीं चलता है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, एक भी वायदा नहीं पूरा किया, केवल देश के साथ ठगी की है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। चले ज्ञानेंद्र जी, बहुत समय कम है हमारे पास, तो क्लोजिंग कमेंट सिर्फ 10 सेकंड है। इच्छाएं तर्क नहीं होती, जो भी व्यक्त कर रहे हैं कि 11 तारीख को हम शपथ लेंगे वो सब उनकी हर पार्टी कह रही है कि उनकी सरकार इच्छाएं हैं, वो तर्क नहीं होते। जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में एक क्लियर कट पोलराइजेशन हो चुका है, मैं चलते चलते ये बात कहना चाहता हूँ, एक तरफ नई किस्म की राजनीति है, एक तरफ पुरानी किस्म की राजनीति है, और इस पोलराइजेशन से ही जो रिजल्ट निकलना वो 11 तारीख को सामने आएगा। जी 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 जी, तो वाकई में क्या होने जा रहा है, 11 मार्च को तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में अब तक हमने देखा है कुछ ना कुछ होता रहता है, वाकई कुछ ना कुछ होने ही जा रहा है। लेकिन सवाल जो हमारा यही था, क्या कांग्रेस कहा था अखिलेश के साथ होगा, इस पर जल्दी खुलासा हो जाएगा और लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।